हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जहां पे हम लेकर के आते हैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स और उनसे संबंधित उनकी सॉल्यूशन जानकारी। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और या बाय कर रहे हैं, बाय करने का प्लान कर रहे हैं, या यदि आपका बजट उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है कि आप एक नया लैपटॉप खरीद पाए, तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप को बाय करने से पहले कौन कौन सी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, ताकि आपका कोई फुद्दू ना बना पाए, आपका कोई पप्पू ना काट पाए। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि कुछ लोगों ने सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने के बहाने मुझे चीट कर लिया, तो वो उसका जो है मुझे काफी गम हुआ। ताकि फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ, ये सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करने से पहले ये चीजें ध्यान में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारी अच्छी अच्छी पता लग जाएगी, जिससे आप सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करने से पहले वो जानकारी जो आप कभी भी बाय करेंगे तो आपको हमेशा काम में आएगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस चैनल को लाइक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि सेकेंड हैंड लैपटॉप हम अगर बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या वो लैपटॉप जो बेचने वाला है वो लैपटॉप को क्यों बेच रहा है। और हम तो चलिए, हमारी तो नीड है, हमें बाय करना है, लेकिन अगर वो किस जल्दी में बेच रहा है या कैसे बेच रहा है, अगर आप क्विकर के थ्रू बाय कर रहे हैं तो चलिए वहां पे एक बात आती है कि वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो जाती है अगर आप बायर सेलर कंटिन्यू एक दूसरे से बिना बताए मिलते हैं। यानी कि आप हम कह सकते हैं ओलेक्स या क्विकर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, बस उनके नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर से मिल लेते हैं। तो वहां पे सबसे पहली बात आती है, क्या ये लैपटॉप चोरी का तो नहीं है। तो उससे बचने के लिए हम सबसे पहले उसका बिल डिमांड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत से लोगों ने बिल देने का झूठा बहाना बताया कि बिल खो गया या बिल नहीं है या इनवॉइस नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि वो लैपटॉप, देखिए अगर वो जेन्युइन लैपटॉप होगा तो कहीं ना कहीं वो बिल की कॉपी उसने ले रखी होगी। अगर वो सेकेंड हैंड का भी, सेकेंड हैंड यानी वो थर्ड पार्टी को भी बेच रहा होगा, तब भी उसके पास वो बिल कॉपी होगी। और आजकल की तो सारी कॉपी इनवॉइस तो सब का सब डिजिटल फॉर्मेट में होती है, आपको वो कहीं ना कहीं कहीं भी जाती भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले बिल की डिमांड करनी ही करनी है, और उसके बाद क्या क्या जानकारी रखनी है, फिर उसके पास सबसे पहले आपको लैपटॉप के बैक साइड को, पैनल को पलट के देखना होगा कि उसमें कोई स्क्रू तो ऐसे नहीं है जो इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे जाके खोले गए हो, और उसमें कोई जो है सामान को कह सकते हैं कि मतलब उलट पुलट किया गया हो। तो उससे वो तो बाद में आप चेक करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले आप अपना एक पेन ड्राइव लेके जाएंगे। उस पेन ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर है जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया है, उसका नाम है CPU Jet। वो आपकी सारी की सारी जानकारी बता देता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, इसमें रैम कितना है और रैम की कैपेसिटी कितने mm की रैम है, कितने हार्ड डिस्क है, इसकी फैन की स्पीड क्या है और कब मैन्युफैक्चर हुआ है, अगर ताकि वो आप बायोस में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, वैसे सॉफ्टवेयर बहुत ही इजीली मिल जाता है, 2 MB का सॉफ्टवेयर है, आप उसको लेकर के जरूर जाएं, ताकि आप उसके साथ साथ आप जो है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने में मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगता है, और उस इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको उसके OS के बारे में भी पता लग जाएगा कि ये OS कि अगर OS करप्ट तो नहीं है या उसके सारे पोर्ट काम तो नहीं कर सारे पोर्ट काम कर रहे हैं। पेन ड्राइव लगा करके एक फायदा ये भी होगा कि आप उसके लैपटॉप के पोर्ट कनेक्टिविटी आप पता कर सकते हैं। फिर आप हेडफोन भी लेकर के जाएं कि हेडफोन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, और हेडफोन का फंक्शन सी ड्राइव अगर काम कर रही है कि नहीं कर रही। सी ड्राइव चलिए आजकल के मानते हैं छोड़ सकते हैं, सी ड्राइव को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सी ड्राइव को जनरली ज्यादा यूज में नहीं है आजकल के लैपटॉप्स में, तो चलिए उसको अवॉइड किया जा सकता है। फिर आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन में कोई ब्लैक डॉट तो नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक डॉट जो है बढ़ करके बड़ा सा डॉट हो जाता है, फिर आपको वहां पे पूरा का पूरा स्क्रीन चेंज कराना पड़ता है, जो उसमें काफी खर्चा आता है, करीब 1800 से 2000 या कभी कभी 3-4 हजार रुपए का भी खर्चा आ जाता है। फिर बैटरी की लाइफ को आपको देखना है कि बैटरी कितनी देर हीट कर रही है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने वो दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उससे बैटरी की हीटिंग कैपेसिटी पता लगती है। बैटरी की हीटिंग कैपेसिटी अगर वो 15 मिनट के अंदर ही लैपटॉप हीट करने लगता है तो आप उस लैपटॉप को बाय मत करिएगा, क्योंकि उसके इंटरनल में हो सकता है फैन भी हीट कर रहा हो, सॉरी वो फैन काम प्रॉपरली फैन काम ना कर रहा हो और उसके CPU जल्दी गर्म कर रहा हो, तो उससे हार्ड डिस्क भी जा सकती है।
फिर आप हार्ड डिस्क की आवाज फैन की कान में लगा करके आप हार्ड डिस्क की आवाज को भी पता लगा सकते हैं कि हार्ड डिस्क की क्लॉक स्पीड कितनी है। हालांकि वो जो है सीपीयू जेड या वो सॉफ्टवेयर बता देगा आपको इसकी स्पीड कितनी है। तो ये कुछ जानकारी। अब चलिए हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी, बेसिक जानकारी के बारे में बताते हैं। आपको लैपटॉप जो है किस पर्पज से खरीदना है। अगर आप कैरी करते हैं लैपटॉप तो ट्रांसपोर्ट में, यदि आप लगातार यात्रा करते हैं तो कई बार जगह बदलने की जरूरत है, तो आप जो है मेरे हिसाब से 17 इंच से या 18 इंच के बीच का एक नव लैपटॉप ले सकते हैं। पोर्टेबल लैपटॉप ले सकते हैं आप, अगर आपका कंप्यूटर इतना हिलने डुलने लायक भी नहीं होना चाहिए जिससे कि वो आपके आसपास रह सके, लेकिन इस बात की भी जरूरत है कि आप उसे आराम से हैंडल कर लें, या 15.4 इंच का लैपटॉप सही रहेगा और उतना भी ज्यादा नहीं। और मिनी पोर्टेबल अगर आप लैपटॉप पसंद कर, आप मिनी कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं और जिनका वजन मिनिमम 1 kg से भी कम होता है, आप एक छोटे से झोले में रख के उसे कैरी कैरी कर सकते हैं। जो लगातार सफर करते हैं उनके लिए मिनी टॉप या मिनी कंप्यूटर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अब बात आती है प्रोसेसर कितना होना चाहिए। सीपीयू का कंप्यूटर का जो है, जैसा कि मैंने बताया कि सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और अगर लेकिन सेकेंड हैंड केस में देखा जाए तो उसमें 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी के साथ अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज की डेट में मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा कि i5 प्रोसेसर ही लें आप, इससे कम ना लें, और रैम 8 GB से 16 GB के बीच हो। लेकिन अगर आप पुराना कंप्यूटर ले रहे हैं तो हो सकता है, जरूरी ही नहीं है आपको वो सारी स्पेसिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग मिल पाए, तो मिनिमम अगर 8 GB का भी रैम मिल रहा है तो भी सफिशेंट है। और लाइव एक्टिव मेमोरी आपको देखना होता है कि रैम भी जो है कम से कम 12 मतलब इतनी होनी चाहिए। फिर ग्राफिक कार्ड्स, क्योंकि आज की डेट में ग्राफिक कार्ड भी कंपलसरी है, तो अगर ग्राफिक्स, अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं या वीडियो गेम के शौकीन हैं, और अगर वीडियो गेम चलिए नहीं भी खेलते हैं तो हो सकता है आज की डेट में सॉफ्टवेयर भी काफी बल्की हो गए हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है, तो उस केस में आप 8 GB से 16 GB के रैम कंसिडर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया स्क्रीन का साइज 7 इंच से 20 इंच का अगर हो सकता है तो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ जानकारी है। और ऑटोनॉमी के बारे में बात करें, लैपटॉप का इस्तेमाल करने की जो मिनिमम सीमा होती है वो आज 2 से 8 घंटे की होती है। लैपटॉप के लिए ये काफी मायने रखता है, ये जानना अच्छा होगा कि बैटरी जितनी अधिक पावरफुल होगी लैपटॉप का वजन उतना ही अधिक होगा। तो यदि आप लैपटॉप को लेकर के कहीं आना जाना करते हैं चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें, लेकिन हम बैटरी की क्वालिटी और साथ साथ उसके उपभोग में बदलाव भी कर सकते हैं, यानी कि हम लैपटॉप को बैटरी को चेंज चेंज भी कर सकते हैं। आप जो है बैटरी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर बैटरी, चलिए सेकंड हैंड लैपटॉप में बैटरी जनरली खराबी हो जाती है, तो बैटरी, चलिए एक बैटरी पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये क्रैक वर्जन है या फिर कहीं से ओरिजिनल वर्जन है। अगर ओरिजिनल वर्जन है तो आप उससे की डिमांड कर सकते हैं या फिर उसकी ओरिजिनल सीडी भी मांग सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा। देखिए इसकी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो, जैसा कि मैंने बताया है कि अब टेम्परेचर कंप्यूटर जो गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करना जरूरी होता है। कई बार वेंटिलेशन काफी आवाज करता है, कई बार देखा गया है कि एक मशीन दूसरे मशीन की तुलना में चलते समय अधिक गर्म हो जाती है। हालांकि लैपटॉप खरीदने से पहले इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, खासतौर से तब जब आप लाइन हो। फिर भी ये कहा जाता है कि आप जितना अच्छा लैपटॉप खरीदते हैं उस मामलों का महत्व कम होता है। तो फिर ये वारंटी की बात है, फिर अपग्रेडेशन कैसे होता है। जहां तक आपको वारंटी तो नहीं मिलेगी सेकंड हैंड में, क्योंकि बंदा जो है खुद वो आपको बेच के निकलना चाहेगा, अपनी उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तो वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि कभी आपने इस कंडीशन में लैपटॉप लिया कि वो 1 साल की या 2 साल की वारंटी है और वो बंदे ने 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ही आपसे बेचना चाह रहा हो, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है उस केस में आपको वारंटी मिल जाए तो आप उसका बिल पहले लेंगे, फिर आप जो है उस पे भी पे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस बहुत ही ग्रेयर देखे जाते हैं कि हो सकता है इस टाइप के लैपटॉप हो सकता है चोरी के हो, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए। प्लीज इस तरह के लैपटॉप को, मेरे हिसाब से मैं इस तरह के लैपटॉप को खरीदने की सलाह या रिकमेंडेशन आपको नहीं करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये जानकारी पसंद आई है। प्लीज ये जानकारी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, अपने उन दोस्तों तक जो भी पुराना लैपटॉप खरीदने की के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर